चलिए, और पंडित जी अब रुख कर लेते हैं आज की राशियों का। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज मेष राशि के जातकों के लिए। जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बात करें आज आपके कारोबार में बाधा जो आ सकती है और कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रह सकती है, आज आपको क्रोध पर और नियंत्रण करना है, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना अनावश्यक वाद विवाद में आज आप उलझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है, व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से अपने काम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। और अब इसी के साथ बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको कई प्रकार की सफलताएं मिलेंगी, वहीं धन लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च की अधिकता से आज आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। व्यापार को लेकर प्रवास हो सकता है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मन व्यथित रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, आपके व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं आज आप बनाएंगे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मन व्याग्रता में रह सकता है, कार्यभार की अधिकता रहेगी और दिन भागदौड़ में बीतेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका सामान्य रहने की स्थिति बनती है, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की संभावना रहेगी, कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी जिससे मन व्यग्र रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम। अब इसी के साथ बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपको बहुत शुभ फलदायी देने वाला रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी, नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ आय वृद्धि के योग बन रहे हैं, परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा और परिजनों के साथ दिन मनोरंजन और आनंद प्रमोद में बीतेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है, ग्रह नक्षत्रों के योग आपके अनुकूल रहेंगे, आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगी, व्यावसायिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी, अधिक लोगों के साथ संपर्क बना रहेगा जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ की स्थिति रहेगी, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे, हालांकि कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्य आज आप सफल कर पाएंगे, वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और साथ ही उनके साथ संबंध भी आपके मजबूत बनेंगे। आइए अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि वाले लोगों का दिन आज सामान्य रहने वाला है, व्यवसायिक गतिविधियों में छोटी छोटी बाधाएं आज रह सकती है जिससे मन में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कठिन परिश्रम से आज आपके कार्यों में सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। और अब इसी के साथ बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपको मिला जुला रहेगा, व्यापार धंधा बहुत अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने से मानसिक रूप से व्याकरता का अनुभव होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, अन्यथा विवाद में आज आप कहीं फंस सकते हैं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका बहुत ठीक रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, दिन भागदौड़ में बीतेगा,
कारोबार विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मन दुविधा में रह सकता है। फिर भी परिवारजनों के साथ अच्छा वातावरण प्राप्त होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका बहुत सफलदायी रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। कार्यों में सफलता मिलेगी जिससे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न आप रहेंगे। यह है आज का हमारा अपना राशि। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, और आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।